बारां जिले के अंता में आज से कोटा इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू किया गया है। इस मौके पर सांसद दुष्यंत सिंह द्वारा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे प्रस्थान के लिए रवाना किया गया। बता दें कि कोरोना काल के दौरान दयोदय तथा कोटा इंदौर इंटरसिटी दोनों ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया था, परंतु कोरोना काल समाप्त होने के बाद कई जगह ट्रेनों का ठहराव शुरू कर दिया गया था। ऐसे में अंता में दयोदय तथा कोटा इंदौर इंटरसिटी ट्रेनों के ठहराव को लेकर कई दिनों तक धरने प्रदर्शन किए गए थे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष सहित सांसद दुष्यंत सिंह तथा खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया को कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए। ऐसे में फिलहाल कोटा इंदौर इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव शुरू किया गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।